दिस इज आशु धाईवाल और आप सभी देख रहे हैं टिक टीवी। आज के लेटेस्ट रिपोर्ट में है जी टीवी का सीरियल मीत। मीत की कहानी में मीत और मनमीत ने एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है अपने रिश्ते को, यानी कि जहां ये फैसला किया गया था कि अब तो मीत और मनमीत का रिश्ता टूटेगा, मीत अपने अलावत हाउस लौटेगी, तो वही मनमीत जो है शगुन से शादी रचाएगा, क्योंकि शगुन ने यहाँ सुसाइड करने का ड्रामा भी क्रिएट किया था, जिसके बाद मनमीत काफ़ी डर गया था कि कहीं शगुन अपनी जान ना ले ले, इससे पहले इसे अपनी पत्नी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कहानी चल रही थी। फैंस के दिल एक बार फिर से उदास हो गए थे कि अब क्या होगा, राजवर्धन की मौत हो गई है और अगर मनमीत ने भी मीत को छोड़ दिया तो हमारी बेचारी मीत हुड्डा क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन उसका सहारा बनेगा। तो वैसे में बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आ गया है, क्योंकि यहाँ पर मनमीत जो है अब वो मीत के साथ अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पे ले जाना चाहता है, क्योंकि राजवर्धन से उसने वादा किया था कि वो मीत का साथ देगा। लेकिन अब ऐसे में शगुन क्या करेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि शगुन के सामने जब ये सच आएगा कि मनमीत फिर से मीत को घर ले आए, इस शादी को निभाने की कह रहा है, तो वैसे में शगुन कहेगी कि ठीक है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसे टेढ़ी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर शगुन जो है फेक प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा खेल खेलने जा रही है, यहाँ पर फंसाने वाली है मनमीत को पूरी तरह से इस खेल में, क्योंकि वो उसे बताएगी कि देखो मैं अब जो है प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, और ऐसी हालत में तो मुझे छोड़ने की तो सोचना बात। ये मीत के साथ शादी का जो दिखावा कर रहे थे, इस दिखावे को ख़त्म करो, इसे तलाक के पेपर दो, इसे साइन कराओ और घर से बाहर करो। अब ऐसे में मनमीत यहाँ पर बुरी कश्मकश में फंस गया है, यानी कि वो यहाँ पर मीत को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि राजवर्धन के आखिरी वक्त में एक बहुत बड़ा उससे प्रॉमिस किया है, और ऐसे में शगुन का जब प्रेगनेंसी का सच आएगा तो अब मनमीत उसे भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब कहानी में सबसे पहले तो मनमीत ये कहेगा कि मेरे शगुन के बीच में आज तक कोई हदें पार नहीं हुई, तो ये माँ कैसे बन गई। अब ऐसे में शगुन जो है काफ़ी शातिर है, बड़ी से बड़ी कहानी बनाएगी, होली की कहानी ले लेगी कि यहाँ पे मनमीत ने ड्रिंक कर रखी थी बहुत कुछ। अब यहाँ पर घर वाले कहेंगे कि चलो जो भी हुआ, अब इस बच्चे को हम इस दुनिया में तो आने ही देंगे, और ये मनमीत का बच्चा है तो इस घर का वारिस है, तो यहाँ पर ही रहेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा, क्या ये प्रेगनेंसी वाला नाटक जो है यहाँ पर शगुन का, क्या वो काम कर जाएगा मीत और मनमीत को अलग करने में, क्या यही बनेगा सेपरेशन की सबसे बड़ी वजह, क्या शगुन अब यहाँ पर फेक प्रेगनेंसी के जरिए करवा देगी मीत और मनमीत का तलाक, लेकिन इसी के साथ मनमीत अब उस वादे का क्या करेगा जो उसने राजवर्धन के आखिरी वक्त में उससे किया था कि जब तक मीत के ज़िंदगी में कोई शख्स नहीं आ जाता उससे प्यार करने वाला, उसका ध्यान रखने वाला, तब तक मैं मनमीत का जो है साया बन के रहूँगा, उसका सहारा कभी नहीं छोड़ूंगा। तब कहानी में दिलचस्प रहेगा मनमीत का फैसला देखना। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जी टीवी के सीरियल मीत की, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहना टिक टीवी।